सुहे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज की इस टेकी पाठशाला में हम बात करेंगे Asus ROG Phone 2 के बारे में। सो दोस्तों, यहां पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देना कमेंट सेशन में जाके कि आप लोगों को ये Asus ROG 2 फोन मिला कि नहीं मिला, और मिला तो कितनी मुश्किल से मिला है और कितना इजी तरीके से मिला है। जितने जल्दी आप नीचे शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, बस आप लोगों के कमेंट में पढ़ूंगा और जानूंगा कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे और लोग थे, जो आपको आगे पता चल जाएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। मतलब Asus ने या फिर Flipkart में क्या मिलके पब्लिक का स्टार्ट है सीरियसली काटा है। जैसे कि Realme XT का जब लॉन्च हुआ था और उन्होंने कहा था कि हमारा फोन 16 सितंबर को लॉन्च होना है Flipkart पर और वहां पर 64,000 यूनिट्स आएंगे। बाद में अगर आपको बाय करना है तो नेक्स्ट सीधा आप जा सकते हो 30 सितंबर, यानी कि जो बिग बिलियन डे सेल थी उसी के दिन आप बाय कर सकते हो। सो ये उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में क्लियरली कहा था। और मैंने Asus ROG Phone 2 का भी लॉन्च इवेंट पूरा देखा था और मैंने पूरा मतलब एक एक सेक्शन देखा, 2 घंटे का पूरा लॉन्च था तो मैंने पूरा देखा। बट ये नहीं पता गया था कि फोन आपको भले मिलेगा लेकिन आपको जो डिलीवर होगा सीधा 8 अक्टूबर को होगा, ये कहीं नहीं बताया गया था। तो ये मेरा कहना था। अब मैं आपको पूरी बात ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। रात को 12 बजे 30 सितंबर की रात को 12 बजे हम लोग बैठ गए थे, मतलब मैं और मेरी वाइफ वैशाली हम लोग दोनों बैठ गए थे पीसी पे। लाइक मैं आपको थोड़े बिहाइंड द सीन्स भी दिखाऊंगा उसके। तो हम लोग बैठे थे 12 बजा और रिफ्रेश मार रहे हम लोग पेज, क्योंकि पेज 12 बजे नया आता है, उससे पहले तो दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने रिफ्रेश मारा तो नया पेज आ गया, रिलोड भी हुआ। Asus ROG 2 फोन के सेक्शन में भी हम लोग गए और वहां जाने के बाद हमने फोन को बाय करने का देखा, लेकिन वहां पे एड टू कार्ड ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है। वो मतलब अभी भी स्टिल यूनिट अब तक आए नहीं थे, पेज अब तक उनका लाइव नहीं हुआ था। पता नहीं क्या था वो, ग्लिच हुआ था फ्लिपकार्ट का कि क्या, आई डोंट नो वो क्या सिस्टम था, बट फोन हमें तभी भी बाय ना होगा ऑप्शन या एड टू कार्ड का ऑप्शन कुछ नहीं देखने मिला। सीधा देखने मिला 5 से 7 मिनट के बाद में हमें वो ऑप्शन, 10 मिनट के बाद में हमें ऑप्शन आया बाय नाउ एंड एड टू कार्ड। तो हमने सीधा बाय नाउ पे क्लिक किया और वहाँ पर हमने एड्रेस वगैरह ऑलरेडी फिलअप करके रख चुका था। अब वो रखने के बाद हम लोग जब इसे पेमेंट के लिए जा रहे थे, क्योंकि कार्ड पे ऑप्शन था कि आपके पास एक्सिस का डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड या फिर ICICI का क्रेडिट कार्ड होगा तो वहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे के सेल के ऑफर के दौरान। सो 34,200 के नियर बाय आपको ये फोन Asus ROG 2 मिल जाना चाहिए था। सो यहाँ पर मेरे पास वो सब फैसिलिटी थी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हम लोग जैसे पेमेंट करने गए ना, वहाँ पर पेमेंट हुआ ही नहीं। सीधा वो क्या कर रहा था, कार्ड में आने के बाद एड्रेस फिलअप कहाँ पर भेजना है वो सब करने के बाद पेमेंट करने गए, इसका कार्ड वगैरह सब डाला, बट हुआ क्या, आपका फोन कार्ड से निकल गया और बताया गया कि स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है ये फोन। अरे बट तुमने कहीं नहीं बताया कि ये फोन फ्लैश सेल के हिसाब से आने वाला है या फिर आपका कुछ लिमिटेड स्टॉक्स आएगा, ये कहीं नहीं बताया था आप लोगों ने लॉन्च इवेंट के दौरान। सो अगर आप जाके यूट्यूब पे भी देखोगे, जो बड़े बड़े चैनल्स है लाइक ट्रैकिंग टेक, टेक्निकल गुरुजी, अमित भवानी और भी दूसरे जो चैनल्स है, वहां पर जो दिनेश शर्मा है वो हर एक चैनल पे जाकर अपने फोन को प्रमोट कर रहे हैं। और हम बुला लिया है दिनेश शर्मा जी को Asus मोबाइल इंडिया पे। कमाल फोन हुआ है वो है Asus की तरफ से आने वाला ROG। तो ये बहुत सारे चैनल में जा चुके हैं और सब जगह बता रहे हमारा फोन ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो एक्चुअली बोल फोन तो बहुत एक नंबर है, इस प्राइस में फोन बहुत किलर है, मतलब बोल नहीं सकते उस फोन के बारे में, इतना सही फोन था। 30 जो डेट है 12 बजे के बाद में आपको Asus ROG 2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा और लेकिन आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। सो यहाँ पे कंटिन्यूस रिफ्रेश करने के बाद भी फोन अभी तक आया नहीं है और पता नहीं, एक बार दूसरा वेरियंट चेक करना जो इसका हाई वेरियंट है, ये भी नहीं आया है। सो दोनों फोन अभी तक कोई अवेलेबल हुआ नहीं है। बोला गया था कि 12 बजे हमें देखने मिलेगा और जो डेट है अभी भी आपको देखने मिल जाएगी, 12:03 हो रहे हैं, ये रहा 30 और फोन अभी तक स्टिल आया नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं बट ये सोल्ड आउट आ रहा है और जब लॉन्च हुआ तो कुछ भी नहीं बताया कि हमें ये फोन, एक तो एक फोन प्री ऑर्डर पे आ रहा है और जब लॉन्च हो रहा था या कितना सब सीन चल रहा था तभी भी नहीं बताया कि ये आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब उस टाइम फ्लैश सेल जैसा सीन होगा। और हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं, इवन पेमेंट गेटवे पे तक भी चले गए वहां तक और पेमेंट गेटवे भी किया हम लोग ने कि वहां से भी ये निकल गया, मतलब पेमेंट करते करते OTP डालते डालते भी फोन चला जा रहा है, मतलब लॉजिक। और अगर आपको पहले अगर ऐसा था कि फ्लैश सेल जैसा सीन है तो पहले बता दो कि हमारा फ्लैश सेल वाला सीन है, जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग का आ गया कार्ट में वापस बट वापस चला गया, क्योंकि अगर अभी ऑर्डर करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा है 8 तारीख, मतलब आपके हाथ में 10 तारीख को हाथ में फोन आएगा। इस टाइम पे अगर आपको फोन इमीडिएट कब मिलता था, अगर यहाँ पे COD का आप करोगे तब आपको ये फोन इमीडिएट मिल जाता था, लेकिन हम लोग कार्ड पेमेंट के थ्रू करने जा रहे थे तो इसलिए हमको फोन नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ने बहुत ट्राई किया बट
फिर बाद में कंटाल के हम लोग ने क्या किया कि कार्ड को रखा साइड में और हम लोग देख रहे थे कम से कम वेब पेज मतलब देखे ही जा रहे थे और कम से कम हम लोग 12:45 तक हम लोग पीसी पे ही थे और इस बीच में हो क्या रहा था, फोन आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब यही चीज चल रही थी। एक मेरा दोस्त है मास्टर मिनी टेक करके यूट्यूब चैनल है उसका, उससे भी आसूस रॉक 2 फोन बाय करना है, वो भी सेम बैठा था, उसके पास भी एक्सिस का कार्ड था, पर उसने क्या किया उसका पेमेंट हो नहीं रहा था और उसका भी सेम इश्यू चल रहा था, मतलब आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। अब उसने सीधा क्या किया सीओडी कर दिया, सीओडी करने की वजह से हुआ क्या, उसको जो फोन 34,200 में मिलने वाला था क्योंकि उसके पास भी एक्सिस का कार्ड था, अब हुआ क्या कि उसका फोन भी उसने सीओडी कर दिया, अब सीधा कैश ऑन डिलीवरी होगा। गलती से हम लोग का एंड पेमेंट में हुआ क्या कि एक्सिस का जो सेव पेमेंट के बदले हम लोग का दूसरा जो HDFC का कार्ड था उस पर क्लिक हो गया, वो सब डालने के बाद हम लोग के पास जो OTP आया वो HDFC का आया, फिर हम लोग अब जो हो रहा है होने तो इसमें ही ले ले, बट वो एंड में जाके HDFC के कार्ड से मेरा पेमेंट हुआ, ऑर्डर कन्फर्म हुआ और अभी ऑर्डर कन्फर्म्ड है। तो ये बात तो ठीक है कि 8 अक्टूबर को सीधे अभी सेल होने वाली है, इसके बीच में आपको ASUS ROG 2 फोन नहीं मिलने वाला है, तो आपको अगर बाय करना है तो आपको 8 अक्टूबर को जाके बाय करना पड़ेगा। या तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि सबसे पैसे ले लेते हैं पहले, फिर हम लोग जा लेंगे फैक्ट्री में फोन और बनाए नए ताज़ा निकाल के लोगों को देना स्टार्ट करेंगे, मतलब यही हो सकता है, उससे और कोई अलग चीज़ नहीं हो सकती। मतलब अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी समझ सकते हैं, अब यहाँ पर एक बोलते ना मतलब दिमाग वाला खेल कह सकते हैं, अब किसका दिमाग है मुझे नहीं पता, फ्लिपकार्ट का है कि किसका है। होता क्या था कि अगर आपको फोन मिलता मतलब नॉर्मल डे मतलब नॉर्मल तरीके से कोई भी फोन बाय करते जाते हैं फ्लिपकार्ट पर, फोन पसंद आया बाय नाउ किया और जाके फोन आपके घर पे 2-3 दिन के अंदर, लेकिन यहाँ पर फ्लैश सेल जैसा सीन चल गया बिना बताए, अगर आप कार्ड भी लगा के थे तो आपको 3,800 रुपये का जो डिस्काउंट मिल रहा था उस कार्ड के अगर आपके पास होते तो यहाँ पर क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ लोग जैसे कि मेरा और मेरे दोस्त का मैंने आपको बता दिया दोनों का कार्ड अप्लाई नहीं हुआ, ऐसा मेरा नहीं ऐसे बहुत लोग का हुआ रहेगा, तो इस वजह से हुआ क्या कि जो फोन कम प्राइस में मिलना था बेसिकली आप लोग समझ गए रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो कार्ड का ऑफर लगना तो कार्ड का ऑफर भी नहीं लगा, सिर्फ नाम के लिए हवा हो गया कि हमको आपको कार्ड मिलेगा ऑफर मिलेगा ये वो, बट एंड में किसी को नहीं हुआ, मे भी किसी को मिला होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिला होगा, मिला होगा पर 10 में से मेरे हिसाब से 2 लोगों ने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर उसमें से आप लोग हो तो प्लीज कमेंट करो, या आप लोग नहीं हो कि हाँ हमें नहीं मिला ये ऑफर फ्लिपकार्ट का और ये जो फ्लैश सेल वाला सीन था हमें नहीं पता था, कमेंट करके बताओ। हाँ अभी जो 8 अक्टूबर के जो दिन जो कोई फोन बाय करने जाएगा ना उसको ये एक्सिस का और ICICI का कार्ड का ऑफर नहीं मिला इतना डेफिनेटली है क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे के टाइम ही ऑफर था, तो बस यही मेरे हिसाब से यही उन्होंने किया, मतलब डबल टाइप के खेल गए, मतलब बोला भी और नहीं भी हुआ, मतलब उन्होंने बोल दिया कि 30 को फोन मिलेगा बट मोस्ट ऑफ लोग को मिला भी नहीं। अगर आप उस दिन फोन बाय करने की लिस्ट में थे लाइक मेरी तरह लाइन में खड़े थे या जो भी कह सकते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस उस दिन क्या रहा कमेंट करके जरूर बताओ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आएगा तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना इसी चैनल को टेकी पाठशाला को। सो दोस्तों आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।